अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर हाफिज़ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं मेरे चैनल आफ्ताब वेटनरी क्लिनिक। तो आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ड्रिंचिंग निमोनिया। तो ड्रिंचिंग निमोनिया जो है ये निमोनिया के वो वाली टाइप है जिसमें कोई भी चीज़ जो काफ है, कोई भी एनिमल है, तो उसके जो है वो खाने पीने के दौरान कोई भी चीज़ अगर उसके फेफड़ों में चली जाए ट्रेकिया से होते हुए, तो उससे जो निमोनिया इंड्यूस होता है उसको ड्रिंचिंग निमोनिया बोलते हैं। तो इस काफ की हिस्ट्री ये है कि पिछले को 2-4 दिन से जो है इसने खाना पीना काफ़ी कम किया हुआ है। तो ओनर ने अपने तौर पर जो है इसको सेल्फ मेडिकेशन की है, इसको कुछ चीज़ पिलाई है, तो वो जो भी चीज़ उसने पिलाई है तो वो इसके फेफड़ों में चली गई है। तो उससे क्या हुआ है कि इसको निमोनिया हो गया और काफ़ी जो है वो इसका सीवियर निमोनिया हुआ है। तो अभी जो है कुछ देर में आपको जो है इसके इवन सांस लेने के जो है वो आवाज़ आपको सुनाएंगे कि कैसे जो है बच्चा पेन में है, इसकी आंखों से जो है ये फील होता है कि जैसे आईज देखें, इसकी आईज कैसे जो है आंसू से भरी हुई हैं। तो काफ़ी जो है ये पेन में है, स्ट्रेस में है। तो अभी जो है इसकी आवाज़ आपको जो है वो सुनाते हैं किस तरह से जो फील कर रहे हैं। देखें बेचारा जानवर जो है वो बोल तो सकता नहीं है, तो उसने जो है सिम्टम से ही बताना होता है कि मुझे ये पेन है। तो ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेन में है, स्ट्रेस में है, इसको बहुत ज़्यादा जो है रेस्पिरेटरी इशू है, सांस इसकी उखड़ रही है। तो इवन जो है देखें इसकी एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है वो भी नज़र आ रही है। तो कैसे जो है ये बच्चा पेन में है। तो इस हालत में बच्चा वो ओनर का कहना यह है कि हमने जो भी चीज़ इसको पिलाई है उसके इसका सांस तेज़ हो गया है, तो ये खा पी नहीं रहा। अभी वो खाए पिए कैसे, तो उसको जो है वो सांस भी मुश्किल से आ रहा है, तो खाए पिए कैसे। तो नॉर्मली जो है अगर हम बात करें ड्रिंचिंग निमोनिया की, तो ड्रिंचिंग निमोनिया में क्योंकि रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही होती है, तो उससे जो है वो टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर वो भी रेज़ कर जाता है। तो लेकिन इस काफ में जो है बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल ही नज़र आया है। तो ये वाली जो है किसी ने इनको बताया है ओनर को कि ये वाला जो है डिवर्मर इसको पिलाएं और ये वाला कोई एक और लिक्विड है जो स्टमक के लिए होता है, कार्बोनेटेड मिक्सचर जो है ये इसको पिलाएं तो इससे ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने इसको पिलाया था, वो जो भी पिलाया है वो जो है इसके लंग्स में चला गया, तो उससे जो बेचारे ठीक होने के जो और मसला हो गया। तो इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है इसमें हम इसको दे रहे हैं, ये एक प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल होती है जिसमें डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन ये दो स्टीराइड जो है इसमें शामिल हैं। तो इसके अलावा जो है एक एंटीबायोटिक जिसमें है सेफ्टिफर सोडियम जो है वो हम इसको दे रहे हैं। तो सेफ्टिफर जो है वो नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में भी होता है कि जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं तो उनमें जो है ये अगर हम यूज़ करें तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो इसके साथ जो है एक जो है एंटी एलर्जी की एंटी हिस्टामिनिक जो है वो भी हम ज़रूर देंगे, फिनरमिन मैलिएट। तो एक्चुअली जो है ये जो एंटी हिस्टामिनिक है ये जो कह लें कि एयरवेज हैं, जो ब्रोंकियोल्स हैं, तो उनको जो है ये ज़रा बेहतर तरीके से जो है एनिमल की परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। स्टीराइड जो है वो भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ज़रा बेहतर परफॉर्म करने में जो हेल्प करते हैं। तो ये देखें ट्रीटमेंट करने को ऑलमोस्ट जो है वो 24 आवर्स हो गए हैं। तो ओनर को जो है ओनर ने बताया हमें कि जो है सुबह इसने कुछ जो है थोड़ा बहुत जो है अपनी मदर का ही जो है मिल्क भी सक की है। तो अभी देखें ये काफ़ी जो है कल वाले दिन से जो है काफ़ी बेहतर जो है वो लग रहा है। तो अभी हम इसको आगे जो है वो पानी रखा है, तो पानी भी अपनी मर्ज़ी से पी रहा है। कल क्योंकि जो है इसको तो होश नहीं था, तो अभी जो है ये काफ़ी बेहतर है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है हम जो कम से कम कोई 5 डेज़ तक चलाएंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये 100% जो है वो रिकवर कर जाएगा। तो इसमें एक और चीज़ जो है वो ये देखने की है कि जो हमने इसको स्टीराइड दिए हैं, स्टीराइड हमने इसको ऑलमोस्ट जो है वो ट्रिपल डोज पर दिए हैं। जो डोज़ रिकमेंडेड है उससे हमने 3 टाइम्स ज़्यादा इसको डोज़ दी है। तो साथ में जो एंटी एलर्जिक है तो वो भी इसको हमने डबल डोज जो है वो दिया है। तो उससे जो है वो काफ़ी जो है बेहतरी जो है वो देखने को मिली है। तो ये देखें काफ़ी जो है रिलैक्स है बच्चा। तो देखें जी आज की वीडियो थी ये, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।